हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निवेश क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि बंधु आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन चल रहा है, वो भी सॉल्यूशन चल रहा है 12/5/2013 का, जिसमें मैथ का सारे सवाल हो चुका है। आज का जो क्लास होगा बंधु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग का क्लास होगा, इसलिए आप सब लास्ट तक बने रहे जिससे कि आसानी से सारे सवाल को समझ सके। और जो भी भाई बंधु हमारे चैनल को अभी तक सबसे पहले सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सबसे पहले बंधु क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए बंधु, और लाइक और शेयर करना आप सब ना भूलें। तो देखते हैं जो हमारा 12/5/2013 का है, इसमें रीजनिंग किस प्रकार पूछा गया है, इसको हल करते हैं बंधु। तो मिलते हैं पहले सवाल के साथ। तो चलिए बंधु आज का सवाल देखते हैं। आज का सवाल रीजनिंग का है, जो कि आप जान रहे हैं प्रीवियस ईयर का सारे सॉल्यूशन चल रहा है, और आपका सवाल जो है 1 से 5 तक है, इसका कुछ निर्देश दिया हुआ बंधु। तो ये निर्देश जो है एनालॉजी टेस्ट से है, यानी सादृश जांच से है। इस प्रकार के प्रश्न को बंधु जितना से अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, तब जा करके आप एग्जाम में आसानी से इसको बना सकेंगे। तो बंधु देखते हैं क्या है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अवलिक संख्या को चुनिए। यानी बंधु आपका दिया हुआ है, जैसे यहाँ मनोविज्ञान है, यहाँ मन है, यहाँ समानुपात का चिन्ह है, यानी प्रोपोर्शन का है, अंक गणित अनुपात हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ। आपने बंधु बहुत सारे प्रैक्टिस सेट बना चुके हैं हमारे साथ मिल करके, तो देखिएगा यानी किसी न किसी प्रकार मनोविज्ञान मन से संबंधित अगर है, तो उसी प्रकार अंक गणित जो है किससे संबंधित होगा, इस 4 ऑप्शन में से बताना है। शेष प्रश्न भी बंधु उसी प्रकार से है, तो समझना है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, वही इन दोनों के बीच रिलेशन होगा। क्लियर है बंधु, आप समझ रहे हैं कि ये मनोविज्ञान यानी यहाँ पे मन है, मन है यानी मस्तिष्क, मन मतलब मस्तिष्क, यानी कि मनोविज्ञान से संबंधित मस्तिष्क है, यानी मनोविज्ञान का जो अध्ययन करते बंधु किससे होता है, मस्तिष्क से, यानी कि मन का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है, मस्तिष्क का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है। क्लियर हो गया बंधु। तो आप ये समझ गए कि इनका जो रिलेशन है अध्ययन से है, यानी मन का अध्ययन मनोविज्ञान, मस्तिष्क का अध्ययन मनोविज्ञान हो गया। उसी प्रकार बंधु अंक गणित जो है किसका अध्ययन करता है, तो सबसे पहले ज्ञान, संख्या, ऊंचाई, फार्मूला, ये 4 ऑप्शन में से देखिए बंधु सटीक क्या है, यहाँ पे आपका संख्या है, यानी संख्याओं या अंकों का अध्ययन अंक गणित के तहत किया जाता है, यानी अंक गणित होता है बंधु, अंक गणित कहलाता है। तो जैसे कि संख्या और अंकों का जो अध्ययन करते हैं, जिसमें से बंधु जोड़ घटाव गुणा भाग सारे का सारे अध्ययन आता है, यानी यहाँ पे जो है संख्या होगा, और संख्या में तो ही जोड़ घटाव गुणा भाग होते, उसी का अध्ययन क्या कहलाता, अंक गणित कहलाता है बंधु। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, संख्या हो जाएंगे, जिस प्रकार मन का अध्ययन मनोविज्ञान, मस्तिष्क का अध्ययन मनोविज्ञान, उसी प्रकार बंधु संख्या का अध्ययन जो कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, गणित, और संख्या के अंदर जोड़ घटा गुणा भाग वो सारी चीज आ जाएंगे। क्लियर हो गया बंधु। तो आपका जो आंसर हो जाएंगे कितना नंबर हो जाएंगे, 2 नंबर हो जाएंगे, इसमें किसी भाई बंधु को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगला जो हमारा दूसरा प्रश्न है बंधु, दूसरा प्रश्न बहुत ही सुंदर है, क्या कहता है, बर्फ अनुपात ठंडक समानुपात पृथ्वी अनुपात हुआ, यानी आप समझ चुके हैं कि इन दोनों का जो रिलेशन होगा वही रिलेशन इन दोनों के बीच होना चाहिए, यानी समानता को दर्शाना, सादृश जांच समानता को दर्शाना है बंधु, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे बर्फ जो है, बर्फ का एक गुण है वो ठंडक, यानी बर्फ क्या होता है बंधु, ठंडा होता, तो बर्फ का गुण क्या हो गया, ठंडा हो गया। तो पृथ्वी का गुण क्या है बंधु, तो पृथ्वी का गुण आपका देख रहे हैं वजन, जंगल, गुरुत्वाकर्षण, समुद्र, यानी क्या होगा जो सटीक इसका आंसर होगा, तो पृथ्वी का बंधु गुण है कि वहां पे क्या पाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएंगे, गुरुत्वाकर्षण हो जाएंगे। जिस प्रकार बर्फ का गुण है ठंडा होना, उसकी तरह पृथ्वी पर क्या है बंधु, गुरुत्वाकर्षण इसका गुण है। तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएंगे, 3 नंबर गुरुत्वाकर्षण हो जाएंगे। अब ये हमारे गुरुत्वाकर्षण बंधु जानते हैं आप, यानी जिस वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचता है उसे क्या कहते हैं बंधु, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा पृथ्वी का गुण है क्या है, गुरुत्वाकर्षण है। क्लियर हो गया, यानी 2 नंबर भी प्रश्न बंधु आप आसानी से समझ गए। अब देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है क्या है, शिक्षक स्कूल नर्स वार्ड। तो बंधु जानते हैं आपके शिक्षक स्कूल में रहते हैं,
पढ़ाई कराते हैं बंधु। तो यहाँ शिक्षक जिस प्रकार स्कूल से संबंधित है, उसी प्रकार नर्स का संबंधित बंधु क्या होगा? तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, डॉक्टर, रोगी, दवाई, अस्पताल। तो बंधु अस्पताल आंसर होगा। जिस प्रकार देख रहे हैं कि शिक्षक स्कूल में पढ़ाते हैं, स्कूल से संबंधित है, उसी प्रकार नर्स का संबंध जो है किससे बंधु? अस्पताल से, क्योंकि अस्पताल में कौन रहते हैं? नर्स। क्लियर है बंधु, समझ गए? तो आपका जो आंसर होगा क्या होगा? चौथा नंबर होगा। अब देखिए बंधु, अगला जो प्रश्न है वो आपका चौथा नंबर है। कह रहा है कि 11:13:31 समानुपात 9:8, यानी यहाँ पे क्या होगा? तो एक सिंपल है, एकदम बहुत सिंपल है, देखने से भी पता चल रहा होगा और इसका आंसर आप मन में ही बना दिए होंगे। बंधु 11 का क्यू करते हैं तो क्या होता है? 1331 होता है। उसी प्रकार 9 का क्यू करेंगे तो क्या हो जाएंगे? 729 हो जाएंगे। तो आपका आंसर जो हो जाएंगे बंधु यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 729 हो जाएंगे। वो क्या है? तीसरा नंबर है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। अब देखिएगा आगे का जो प्रश्न है बंधु, यहाँ पे पांचवा नंबर क्या कहता है? खिड़की, बढ़ई, मूर्ति, अनुपात, वाट। यानी बंधु इनका जो रिलेशन होगा उन्हीं का रिलेशन आगे देखेंगे। तो आप देखते हैं बंधु, खिड़की यानी खिड़की बनाना, दरवाजा बनाना, बेंच बनाना, ये जितने भी कार्य हो किसका कार्य है? बढ़ई का कार्य है। यानी इसका जो रिलेशन है बंधु कार्य से है, बढ़ई का कार्य खिड़की बनाना है। उसी प्रकार मूर्तिकार का जो होगा वो क्या होगा? संबंध मूर्ति से होगा, क्योंकि बंधु मूर्तिकार क्या बनाते हैं? मूर्ति बनाते हैं। जिस प्रकार बढ़ई खिड़की बनाते हैं, उसी प्रकार मूर्तिकार क्या बनाते हैं? बंधु मूर्ति बनाते हैं। तो पहला नंबर आंसर आपका क्या हो जाएंगे यहाँ पे? ऑप्शन जो है मूर्तिकार का, वो मूर्तिकार हो जाएंगे। क्लियर हो गया बंधु। इस तरह के प्रश्न को आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके पास किताब होंगे उनसे बना सकते हैं बंधु। और जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आपके लिए क्या होगा? बेनिफिट होगा। तो इसमें बंधु आप समझ गए, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है बंधु दिखेगा यहाँ पे 6 और 7 प्रश्न, यानी 6 प्रश्न को भी हल करना, 7वां भी हल करना है। सवाल है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न से विषम संख्या वाली अक्षर को चुनिए। यानी ये बंधु किससे है? क्लासिफिकेशन ऑडमेंट आउट से है, विजातीय को चाटना। कहीं ना कहीं 4 ऑप्शन में से 3-1 बंधु समानता को दर्शा रहा होगा, कोई चौथा होगा जो कि नहीं दर्शा होगा, उसी को चाटना है। तो कैसे बनाएंगे बंधु? तो जब इस प्रकार के प्रश्न रहे, अल्फाबेट में रहे, आपका इसे जेड के टर्म में आपका रहे, तो बंधु सबसे पहले इसका क्या कर देंगे? कोड को लिख देंगे आप। तो कोड देखिए क्या लिखेंगे बंधु, एक्स का होता है 24, डब्ल्यू का 23, वी का 22, यू का 21, एस का 19, आर का 18, क्यू का 17, पी का 16, एन का 14, एम का 13, एल का 12, के का 11, ई का 5, बी का 4, सी का 3, ए का बंधु क्या होगा? 1 होगा। अब देखिएगा यहाँ पे आप देख रहे बंधु 24, 23 - 1 यानी 1 का अंतर है, 23 से 22 - 1, 22, 21 - 1 यानी सब में -1 का अंतर है, 19 से 18 - 1, 18 से 17 - 1, 17 से 16 - 1, 14 से 13 - 1, 13 से 12 - 1, 12 से 11 - 1, और बंधु 5 से 4 - 1, 4 से 3 - 1, और 3 से 1 - 2। बंधु यहाँ पे देखिएगा सब में 1-1 है, यानी -1 का जो है अंतर है, और चौथा नंबर में जो है यहाँ पे लास्ट में -2 का अंतर है। इसलिए बंधु कहीं ना कहीं ये 3 एक प्रकार की समानता को दर्शा रहा है, और ये विषम है, चौथा ये अलग दर्शा रहा है। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएंगे, आपका जो आंसर हो जाएंगे बंधु क्या हो जाएंगे? चौथा नंबर हो जाएंगे। अब देखिए अगला जो प्रश्न है वो क्या है? 7वां नंबर प्रश्न है बंधु, यहाँ पे 24 है, 56, 84 है, 94 है। यानी बंधु इसको कैसे छांटेंगे? तो आप देख पा रहे हैं कि सारे का सारे, चारों का चारों बंधु सम संख्या है। तो सम संख्या से आप, यानी इवन नंबर से आप छांट नहीं पाए बंधु। अब आप देखिए कैसे इसको छांटेंगे। तो बंधु एक चीज देखिएगा, यहाँ 24 यानी 24, यहाँ 56 या 84 है, इसमें भी 4 से बंधु भाग लग रहा है, इसमें भी 4 से भाग लग रहा है, इसमें भी 4 से भाग लग रहा है, और जो आपका चौथा ऑप्शन, इसमें 4 से भाग नहीं लग रहा है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएंगे बंधु? चौथा हो जाएंगे। आप इनके बारे में जो भी तर्क लगाएंगे बंधु, वो तर्क आपका क्या होना चाहिए? एग्जामिनर के सेंटर से मिलना चाहिए, और उसके माइंड में क्या सेटअप करके दिया उनसे मिलना चाहिए, तभी बंधु आपका क्या होगा? सटीक होगा। तो सबसे पहले जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो हम ऑड और इवन में देखते हैं। अगर वहीं यहाँ पे हम देखे बंधु सारे का सारे इवन है, आखिर कौन से नियम से बना है? तो बंधु ये देख रहे हैं हम कि 4 से इसमें भी भाग लग रहा है, 4 से इसमें भी भाग लग रहा है, 4 से इसमें भी भाग लग रहा है। इसीलिए जो आपका आंसर हो जाएंगे बंधु क्या हो जाएंगे? चौथा नंबर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 4 से भाग आपका नहीं लग रहा है। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए? तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है आपका 8वां नंबर प्रश्न है, बहुत ही छोटा प्रश्न है बंधु।
जब आप इस तरह के प्रश्न आएंगे आसानी से बना लेंगे बंधु। लेकिन हम सेट को बता रहे हैं इसलिए ये प्रश्न भी ले लिए, क्योंकि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे हमारे द्वारा। तो बंधु सवाल क्या है, दिए गए उत्तरों में से कौन सा उत्तर निम्नलिखित का आरोही क्रम में सार्थक क्रम होगा। आरोही का मतलब होता है बंधु असेंडिंग, और अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग। असेंडिंग का अर्थ है कि बढ़ते क्रम में लिखना, तो बढ़ते क्रम का अर्थ है पहले छोटा, फिर उनसे बड़ा, फिर उनसे बड़ा, फिर उनसे बड़ा, इसी प्रकार आगे बढ़ते चले जाएंगे बंधु, उसी को कहते हैं। तो हमारे पास क्या है, 0, 640, 1930, 1335, 2000। तो बंधु आप इसमें देख रहे हैं कि 0, 640 अंक के पहले 0 आपका शून्य के बराबर आता है, यानी ये 640 है, तो सबसे पहले क्या आ जाएंगे बंधु, पहला नंबर आ जाएंगे। उसके बाद 1335 है तो हमारा क्या आ जाएंगे, यहाँ पे तीसरा नंबर हो जाएंगे। उनके बाद बंधु हमारा क्या है, 1930 यहाँ पे दूसरा नंबर, फिर 2000 लास्ट में होंगे बंधु चौथा नंबर। यानी जो आपका असेंडिंग ऑर्डर बताएगा बंधु वो बताएगा 640, 1335, 1930, उनके बाद 2000, यानी 1, 3, 2, 4 और 1, 3, 2, 4 आपका देखिए बंधु कहाँ पे है, चौथा नंबर ऑप्शन में है। तो आपका जो आंसर हो जाएंगे कितना नंबर हो जाएंगे, चौथा नंबर हो जाएंगे। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है आपका वो नौवां नंबर प्रश्न है, और अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए, ये दिया हुआ बंधु। तो इस प्रकार के प्रश्न आप आसानी से बना लेंगे बंधु, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिस कर लिए और आप जानते हैं कि इस तरह के प्रश्न को आसानी से कैसे बनाएंगे, क्योंकि इसको कर देंगे खंड। तो पहले खंड करेंगे, काउंटिंग करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी बंधु टोटल क्या है 10 है। तो 3, 3, 9 लेंगे एक छूट जाएगा, फिर आप 4 लेंगे तो बंधु 4, 2, 8, 2 छूट जाएगा। अगर सबसे पहले देखिए बंधु इसको अगर खंड करें, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक भी देखिए लगातार बंधु देख लीजिए, और इधर भी आप क्या करिए एक लगातार देख लीजिए, इधर भी क्या लगातार देखिए, दो खंड में बंधु फिलहाल कर दिए, क्योंकि ये हमारा क्या है छोटा सीरीज है, इसीलिए ऐसे हम कर देंगे। तीन तीन करके भी बनाएंगे तो भी बनेगा बंधु, लेकिन एक लास्ट में आपको एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे है बी, यहाँ पे व्हाट, एफ व्हाट, व्हाट यानी यहाँ भरना, फिर व्हाट, फिर डी, एफ, जी। तो बंधु एक चीज देख रहे हैं, जी के पहले क्या आया है, एफ आया है, और एफ के पहले क्या आया है, डी आया है। तो बंधु यहाँ एफ है तो एफ के पहले क्या आएगा, डी आएगा। जैसे बंधु डी आया, अब आप समझ लीजिए कि यहाँ दो ही आंसर में हमारा डी है, बाकी ये और ये नहीं होगा, हम ये लगाएंगे, चेक ज्यादा नहीं करेंगे बंधु। अब ध्यान दीजिए आगे चल करके, अब कहता है यहाँ डी हो गया, डी के बाद यहाँ पे डी के पहले क्या हो गया बंधु, बी हो गया। तो निश्चित है कि डी के पहले यहाँ क्या होगा, बी होगा, एकदम समझना है बंधु। अब देखिएगा यहाँ पे बी हो गया, तो यहाँ पे क्या है, एक लेटर यहाँ भरा था, फिर ये तीन को भरा हुआ था यहाँ भी, यानी इधर से देखें दाहिने छोर से पहला लेटर क्या भराएगा, इधर दाहिने छोर से पहला लेटर क्या भराएगा नहीं पता, लेकिन इसके बाद दूसरा लेटर यहाँ पे जो है भराने वाला वो बी भरा है। तो बंधु देखिएगा पहला लेटर क्या भराएगा ये नहीं पता, लेकिन कहते हैं दूसरा भराने वाला बी भरा है, इसका मतलब ये बी भरा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरह एग्जाम में आप सटीक बना के आइए, क्योंकि बंधु यहाँ हमको पता नहीं था क्या भराएगा, लेकिन ये जरूर पता चल गया कि डी के पहले क्या है, बी है, तो डी के पहले बी होगा, तो ये इसको छोड़ दिए, उनके बाद देखिए बी होगा, तो इनको अगर छोड़ देंगे तो उनके बाद बी होगा, इनको छोड़ेंगे तो इनके बाद जी दिया, तो ये कभी होगा नहीं, और ये दोनों कट चुका तो हमारा क्या होगा, दूसरा नंबर होगा। क्लियर है बंधु, यहाँ इसको बना के ऐसे आइएगा, टाइम आपका बहुत बचत होगा, अगर आप इसको भर लीजिए आसानी से हो जाएंगे बंधु। अब देखिएगा एफ के बाद क्या आया, जी आया, तो एफ के बाद क्या आ जाएंगे, यहाँ पे जी आ जाएंगे बंधु। अब यहाँ पे देखिएगा ये हो गया बी डी एफ जी, बी डी एफ जी। अब बंधु यहाँ भी एक भरानी है और यहाँ भी एक भराना है, तो देखिएगा क्या है, हम सीरीज बना दिए पांच पांच का। अब यहाँ पे जैसे हमको पता चल रहा है कि बंधु जी के बाद यहाँ पे क्या दिया है नहीं पता, ये भी जी के बाद नहीं दिया है, लेकिन अब आप भर क्या सकते हैं, तो आप देखिएगा यहाँ पे अगर डबल जी प्रयोग हुआ है, यहाँ जी प्रयोग हुआ है, तो अगर यहाँ जी प्रयोग करेंगे तो यहाँ भी जी प्रयोग होगा, इसलिए एफ देखिएगा बी डी एफ जी, फिर यहाँ पे जी बी डी एफ जी, फिर यहाँ पे जी, यानी ये सीरीज आराम से बन चुका है बंधु, एक सीरीज यहाँ से, एक सीरीज यहाँ से। तो आप समझ चुके हैं कि जो आपका आंसर होगा कितना नंबर होगा, दो नंबर होगा। तो बनाने का बहुत सारे तरीका है, तो बहुत सारे तरीके से इसको आप बना सकते हैं बंधु। जैसे हम दो तरीका बताए कि एक ऑप्शन से देखते जाएंगे कि कहाँ पे आंसर मार रहा है, वहां मार देंगे, या तो देखेंगे कौन लेटर के पहले और उसके बाद क्या आया उसको देखेंगे, बाकी लेटर और लेटर आपका क्या हो रहा था, लग रहा था कि यहाँ पे क्या भराएगा, यहाँ पे क्या भराएगा, कि कोई लेटर आगे पीछे नहीं देख रहा था। तो बंधु एक चीज है, यहाँ पे जो भराएगा वही भराएगा, क्योंकि जी के बाद यहाँ जो भराएगा वही जी के बाद यहाँ भी भराएगा, इसलिए यहाँ पे जी जी हम इसलिए डाल दिए, क्योंकि सारे का सारे ऑप्शन जी और बी में ही है और डी में ही, तो यहाँ भी जी भराएंगे और यहाँ भी जी भराएंगे। क्लियर है बंधु, समझ गए, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
आपका बंधु जो है दसवां नंबर प्रश्न है, लुप्त अनुक्रम को पूरा करें, यानी लुप्त मतलब खाली स्थान को भरना है बंधु, यहाँ पे इसकी जगह अनुक्रम को पूरा करना है। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो है, तीन है, तीस है, पांच है, पांच है, एक है, माइनस पांच है, माइनस एक है, चार है, तीन है, माइनस एक है, यहाँ पे क्या भराएगा? ये चार ऑप्शन में से एक आपका क्या होगा हमारे मित्र बंधु? आंसर होगा। तो देखिएगा सबसे पहले कि इन दोनों से यहाँ पे जो लिखा गया बंधु, चारों का चारों किस प्रकार लिखा गया, ये किस प्रकार लिखा गया, तब जाके उसको हम बना पाएंगे। जो इस दोनों में काम करेगा नियम कुछ विशेष, उसी प्रकार उस नियम विशेष से हम इसको बनाएंगे। तो बंधु देखिएगा यहाँ पे इन दोनों को अगर गुना करते हैं, किनको किनको, इन दोनों को गुना करते हैं, यानी दो गुना तीन करते तो क्या आता है, छह होता है, और छह गुना क्या करते हैं, पांच करते हैं, तो छह पंचे क्या होता है बंधु, यहाँ पे देखिएगा ये दोनों गुना कर दी, छह गुना पांच की, तो छह पंचे क्या हो गया, तीस का निर्माण हो गया। सबसे पहले बंधु समझ लीजिए किस प्रकार, इन दोनों को गुना किए तो तीन दुनी छह, और छह गुना पांच करेंगे तो छह पंचे क्या हो गया, तीस हो गया। ये अनुक्रम इस प्रकार पूरा हुआ। तो इस प्रकार अगर ये भी पूरा हो रहा होगा तो ये निश्चित उसी प्रकार हम बनाएंगे। तो बंधु सबसे पहले इन दोनों को क्या करेंगे, गुना पांच एक क्या हो गया पांच, और पांच गुना माइनस एक करेंगे बंधु तो क्या आ जाएंगे, माइनस पांच हो जाएंगे। यानी कि जिस प्रकार तीन दुनी छह, छह पंचे तीस, यहाँ पे छह गुना पांच के तीस हो गया, उसी प्रकार पांच एक का पांच, और पांच में माइनस एक से गुना करेंगे बंधु तो क्या आ जाएंगे, माइनस पांच। यानी ये दोनों अनुक्रम एक जैसा व्यवहार किया, एक जैसा नियम पालन किया। तो बंधु यहाँ पे देखिएगा चार तीया बारह, यानी ये दोनों किया गुना बारह हो गया बंधु, बारह गुना अगर माइनस एक के साथ करेंगे तो माइनस क्या हो जाएंगे बंधु, बारह हो जाएंगे। तो आपका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, माइनस बारह हो जाएगा। और जो आपका आंसर दिख रहा है बंधु कितने नंबर ऑप्शन में, दूसरा नंबर ऑप्शन में, क्लियर हो गया बंधु। चले तब अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु आपका जो 11वां नंबर प्रश्न है वो सीरीज को पूरा करना है। यहाँ पे 50 है, यहाँ 65 है, यहाँ 82 है, यहाँ 108 है, यहाँ 122 है, आखिर इसके स्थान पे आएगा क्या, ये देखना है बंधु। तो सबसे पहले देखिए दोनों के बीच अंतर कितना है। तो यहाँ पे एकदम देख रहे बंधु अंतर कितना है, 15 का है, यानी 50 पे 15 जोड़ेंगे 65 हो जाएगा। अब 65 में अगर कितना बंधु देख रहे हैं, 82 है, यानी अंतर कितना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 70 है, यानी 65 17 82 यानी 82 हो जाएंगे। अब बंधु यहाँ से यहाँ क्या होगा, अब फिर यहाँ जो होगा अंक उसके बाद देखेंगे उससे जो आएगा हमारा, इससे जो हमारा आएगा, तो आखिर यहाँ तक इन दोनों के अंतर क्या होगा, ये देखना। तो बंधु एक प्रकार यहाँ देख रहे हैं कि 15 और 17 कितना यहाँ बढ़ रहा है बंधु, 2 बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी बंधु कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा, क्योंकि 15 है, 17 है, 17 तो क्या होगा, 19 होगा। अगर यहाँ पे बंधु 17 में 2 जोड़े 19 होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 82 और 19 जोड़ देंगे तो हमारा ये हो जाएगा। कैसे बंधु, 50 में 15 जोड़ेंगे 65, 65 में 17 जोड़ेंगे 82, तो 82 19 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं 2 अंतर, यहाँ भी 2 लेंगे, तो यहाँ भी हम क्या लेंगे, 2 लेंगे, क्योंकि तब 15 17 19 और यहाँ पे क्या होगा, 21 होगा, अगर दो दो सीरीज बढ़ रहा है तो बंधु। अब देखिएगा ये 19 अगर जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएंगे बंधु। यहाँ पे एकदम देखिए आसानी से हम भर दे रहे हैं, क्या हो जाएंगे बंधु, 9 2 11 8 1 9 10 यानी 101। अगर बंधु ये 101 है तो 101 में अगर 21 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, 122 हो जाएंगे। तो निश्चित है कि 15 17 19 21 का सीरीज बना, यानी सब सीरीज के बीच में कितने का अंतर है बंधु, यहाँ 2-2 अंतर, यहाँ 15 17 19 21 का अंतर, क्लियर हो गया। तो हमारा जो आंसर होगा कितना होगा, 101 होगा, जो कि कितने नंबर में, पहला नंबर में है, क्लियर है बंधु। आप समझ गए, यहाँ पे 15 का, यहाँ पे 17 का, यहाँ पे 19 का, यहाँ पे 21 का, यानी ये अंतर 2-2 का है, और इस सबका अंतर जो है 15 17 19 21 का है, यानी कि वो सीरीज 2-2 क्रम से आगे बढ़ते हुए चला गया है, क्लियर है बंधु, आप इनको समझ गए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बंधु 12वां नंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर का सारे चल रहा है बंधु, ध्यान दीजिएगा। 20 लोगों के एक समूह में 8 लोग हिंदी पढ़ते हैं, 11 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि 5 लोग इन दोनों में से कुछ नहीं पढ़ते, उनमें से कितने लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। तो बंधु जिस प्रकार परसेंटेज में पास फेल पर बनाते हैं, यहाँ उसी प्रकार बनाएंगे। जो आपके पास ग्रुप है बंधु वो 20 का है, इसमें से हिंदी पढ़ने वाले की संख्या 8 दिया हुआ है, अंग्रेजी पढ़ने वाले का 11 है, दोनों पढ़ने वाले का, जो दोनों पढ़ने वाले नहीं है उनका क्या दिया है, 5 दिया है, कहता है जबकि 5 लोग इन दोनों में से कुछ नहीं पढ़ते, ये दिया हुआ है। तो बंधु इसको एक डायग्राम के द्वारा बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, ये आपका हिंदी है, ये इंग्लिश है, यहाँ देखिए जो बीच में कॉमन लेंगे बंधु पास में, जिस प्रकार वहां पास लेते थे तो पास में लेते थे, फेल लेते तो फेल में लेते थे, अगर यहाँ नहीं पढ़ते तो सबको नहीं पढ़ने मिलेंगे, कहता जबकि 5 लोग इन दोनों में से कुछ नहीं पढ़ते, तो दोनों का कॉमन बंधु यही चीज है आपका,
तो बंधु यहाँ पे हिंदी कितने पढ़ते हैं आप? तो 20 में से अगर हिंदी आप पढ़ते हैं तो 12 ऐसे हमारे पास लोग हैं जो कि हिंदी नहीं पढ़ते हैं। बिल्कुल बात सही है कि 8 को हिंदी पढ़ते हैं 20 में से, तो 12 को नहीं पढ़ते। और यहाँ दोनों का तब 5 को नहीं पढ़ते, तो इधर कितना देंगे बंधु? 7 देंगे, तब ना 7 5 12 हिंदी नहीं पढ़ते, क्लियर है। उसी प्रकार इंग्लिश बंधु, अगर 20 में से 11 इंग्लिश पढ़ते तो 9 को इंग्लिश नहीं पढ़ते। और यहाँ बीच में 5 कॉमन हो गया तो कितना देंगे? 4 देखिए, 5 4 9 इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है। तो नहीं पढ़ने वाले की संख्या जो पार्टिकुलर है बंधु क्या है? 7 5 12 12 4 16। अगर देखिए 20 में से 16 अगर नहीं पढ़ते हैं दोनों, तो मतलब दोनों नहीं पढ़ते बंधु, तो कितना दोनों पढ़ते हैं? तो देखिए टोटल 20, 20 में दोनों 16 नहीं पढ़ते, क्लियर है। इसका मतलब है जो दोनों पढ़ेंगे इंग्लिश और कौन हिंदी, एकदम समझ लीजिए, वो 20 में 16 घटा देंगे बंधु, क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, और आपका ऑप्शन तीसरा नंबर है, क्लियर है। देखिए 7 5 12 हिंदी नहीं पढ़ते, 5 4 9 इंग्लिश नहीं पढ़ते, क्योंकि 11 पढ़ते तो 9 नहीं पढ़ते, अगर ये 8 पढ़ते तो 12 नहीं पढ़ता, दोनों 5 नहीं पढ़ते, तो टोटल कितना? 7 5 12 4 16, यानी हिंदी और दोनों नहीं पढ़ने वाले और इंग्लिश नहीं पढ़ने वाले की संख्या कितना है बंधु? टोटल मिला के 16, और टोटल हमारे पास 20 है, यानी 20 में से 16 या तो दोनों नहीं पढ़ते हैं, या तो इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, या तो हिंदी नहीं पढ़ते हैं, उनकी संख्या 16 है, तो 20 में 16 घटा देंगे तो दोनों पढ़ने वाले क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो देखिए बंधु, इस तरह के सवाल को इस तरह डायग्राम में बनाइएगा तो सबसे फास्ट आपका बनेगा और मजा भी आएगा बनाने में, तो समझ गए। चलते बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बंधु, कहता है सार्थक शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित अक्षरों को सुलझाइए और फिर अक्षरों की सही अंकीय स्थिति याद कीजिए। कह रहा बंधु, तो सबसे पहले क्या लिखा है? ESRTARUNAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का, यानी उसका क्रमांक दिया है, रोल नंबर दिया है, क्रम दे दिया, बैठा दिया, यानी एक पर ये है, दो पर ये है, तीन पे। तो बंधु सबसे पहले इसको अगर बनाने के लिए आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, अंग्रेजी का वर्ड अगर पता नहीं होगा तो इस तरह के प्रश्न आप हल नहीं कर पाए। तो बंधु ये जो प्रयोग हुआ है, देखने से भी लग रहा है बंधु सारे का सारे वर्ड जो है रेस्टोरेंट का है, यानी ये वर्ड जो बनेगा बंधु इसे रेस्टोरेंट बनेगा। तो देखिए कैसे बनेगा ये आपको जानना पड़ेगा, सारे वर्ड को एक जगह लिखना होगा। तो रेस्टोरेंट को बंधु हम लिखते हैं RES रेस टी, एकदम बंधु देखिएगा रेस्टो, तो फिर यहाँ पे AU रेस्टोरेंट RANT। देखिए बंधु सारे का सारे वर्ड यही आया, इसी से हम लिखे। तो देखिएगा आर जो यहाँ पे दो आर है, तो पहला आर तीन है, तो पहला आर यहाँ पे, दूसरा आर, तो पहला आर तीन है, तीन लेंगे। ई यहाँ बंधु कितना? एक है, एक लेंगे। तीन एक देखिए कहीं है बंधु, तो तीन एक जो है वही आपका आंसर हो गया, बाकी चेक नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन चेक कर लेना चाहिए पूरा। देखिए बंधु क्या है? एस, तो एस एक ही हुआ तो निश्चित है कि यहाँ पे दो आ जाएगा। टी देखिए दो है, पहला और दूसरा, तो पहला टी है तो हमारा क्या आएगा? 4 आएगा। दो ए है तो यहाँ पे बंधु पहला और यहाँ दूसरा, तो 5 आएगा पहले लिए। फिर यू देखिए बंधु एक ही है तो 7 आएगा। आर बंधु देखिए यहाँ पे 3 आ चुका है तो क्या आएगा? 6 आएगा। उसके बाद ए लास्ट वाला ए है, 9 आएगा। एन देखिए बंधु एक के है तो यहाँ पे क्या है? 8 है। उसके बाद कितना है? टी 10 है। तो देखिए आ गया आपका 3 1 2 4 5 6 5 7 6 9 8 10 5 7 6 9 8 10, तो पूरा का पूरा बंधु आपका दूसरा नंबर आंसर मिल गया, क्लियर है बंधु। इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से हल कर लेंगे। तो बंधु आज जो आपका क्लास रहेंगे इतना तक ही रहेंगे। आप सबको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर बंधु जरूर करें, ताकि सभी को लाभ मिल सके और हमें भी आपके सहारे एक प्रेम स्वभाव प्यार मिलता रहे बंधु। तो चलिए आपके क्लास के साथ मिलेंगे अगले दिन बंधु, तब तक आप सबको एनिमेस क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।